20% भी रिश्वत ला लिए, रिश्वत चला जाता है पैसा, पंजवा हिस्सा ला लो, तो 30 to 34 crore सिर्फ रिश्वत की लीकेज जी है भ्रिष्टाचार की, वो खजाने चो हो रही है। रेते का लगभग 20,000 crore हो, जिदी प्रॉपर्टी घटी हो 5 साल या 10 साल, चाहे वह हारिया हो नहीं है, किसी के हाथ भी बनने पै गए हाथ बन लाँगे, पैर फड़ने पे पैर फड़ लाँगे, पर साडा एजेंडा होगा कि पंजाब नूं पैरां से खड़ा करना। नवजोत सिंह सिद्धू होरां दा जिहड़ा जदों वह कुछ बोलते हैं कोई भी आह करांगे आह करांगे, नाल दी नाल उन्हां दी पार्टी च विरोध हो जाता है कि ये मैनीफेस्टो च तां है नहीं चीज़ा, ये मैनीफेस्टो कमेटी की मीटिंग कदों हुई है, जे मैनीफेस्टो च ना पाई गई चीज़ा तो नवजोत सिद्धू का की रहूगी, ये सिद्धू मॉडल नहीं है कांग्रेस मॉडल है, ये कांग्रेस मॉडल नहीं है पंजाब मॉडल है, सुनने तो यही समझ आ रहा। सब तो पहला मोहाली ते चंडीगढ़ का मीडिया जिन्हें भी तुसी मंचा नूं रीप्रजेंट करते हो, मैं तुहाडा स्वागत करदा, धन्नवाद भी करदा कि जो भी तुहानूं बुलाईदा तुसी बहुत वड्डी गिणती दे विच आके साडी गलबात नूं साढ़े जिहड़े विचार ने जां पार्टी का जिहड़ा नीतियां ने उहनां नूं लोकां तक पहुँचाउंदे हो। अज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे जिहड़े ने बहुत गंभीर ने। अज पंजाब दे कर्जे की गल करांगे, पंजाब दे सिर ते 3 lakh crore का कर्जा है, 3 lakh crore का कर्जा है, 3 crore आबादी है पंजाब दी, इहदा मतलब हर एक पंजाबी ते 1 lakh rupiya कर्जा है। अज जिहड़े बच्चे जम्मणगे वो 1 lakh rupiya कर्जा लेके जम्मणगे अपने सिर ते, ये कर्जा किवें आ गया, लीडरां दे तां 7-star, 5-star होटल बन गए, लीडरां दे बड़े बड़े महल उसारे गए, लीडरां दीआं ट्रांसपोर्टां जिहड़ियां ने वो दुगणियां तिगणियां फ्लीटां दे नाल वध गईआं बसां, लीडरां ने अपने शॉपिंग मॉल शोरूम खोल ले, ते जदों लोकां दी वारी आउंदी है उदों कहिंदे ने खजाना खाली है, ते खजाना खाली करन वाले साफ नज़र आ रहे ने कि कौन ने, लोक जिहड़े ने वो टैक्स दे रहे ने, लोकां वल्लों कोई कमी नहीं तां खजाना खाली किवें हो गया। आम आदमी पार्टी खजाना भी भरूगी ते लोकां नूं सहूलतां भी देऊगी। दिल्ली दे विच 26,000 crore का बजट हुंदा सी, अज 69,000 crore का बजट है, 69,000 crore का दुगने तो भी ज़्यादा करता, ते नाले सहूलतां मिल रही हैं दिल्ली दे लोकां नूं। पंजाब दा बजट 1,68,000 crore है, जे 20% भी रिश्वत ला लिए, रिश्वत चला जाता है पैसा, पंजवा हिस्सा ला लो, तो 30 to 34 crore सिर्फ
रिश्वत की लीकेज जी है भ्रष्टाचार की वो खजाने चो हो रही है। 30 to 34 crore तो यह आऊगा। अज मैं थोड़ा दसन लग्या तो अक्सर सवाल होंगे ने कि पैसा तो है नहीं, आ कितों दोगे तो करजा किमें लाओगे। कल्ली करप्शन का 30 to 34 crore होगा बद। मैं एक अंदाजा लाया रेते का लगभग 20,000 crore, जानी के 1,00,000 crore तो कल्ले रेते च ही आऊगा 5 साल। फिर एक्साइज, फिर ट्रांसपोर्ट, ये जिन्ने भी माफियाज ने इन्हों की लीकेज रोको, इन्हों का मूँह सीधा खजाने वाल, नाले कर्जा लहूगा, स्टेट जी सरप्लस होगी, उस तो बाद लोगों जी वादे असी गरंटियां दित्तियां ने वो भी पूरियां करांगे। सो कोई लीडर यह जहा हो जिदी प्रॉपर्टी घटी हो 5 साल या 10 साल, चाहे वह हारिया हो नहीं है। सो ये गल करन तुहाडे नाल आए हाँ कि साडा आर्थिक पैकेज बिल्कुल तैयार है, रोड मैप तैयार है, इकनोमिक रोड मैप तैयार है, तो थानू आने वाले दिनों असी इहदा फुल डिटेल भी दसांगे। आने वाले दिनों असी खेती बारे, इंडस्ट्री बारे, रोज़गार बारे, आने वाले दिनों उस सारे रोड मैप थानू एक एक करके थोड़े सामने रखते रहेंगे। थोड़ा कोई सवाल है तो मैं दस दी पानी विकास दे बिल्कुल। देखो फुल स्टेट है दिल्ली तो सानू बहुत सारा, दिल्ली च तो कदे एल जी नाल कदे डीडीए नाल कदे किसी ना करना पैंदा है, पर फुल स्टेट नू घट लोड़ पैंदी है। हाँ जे केंद्र नाल किसी ना किसी मैं कहां कि पॉलिसी ते उन्हें सहयोग की लोड़ पई तो सहयोग लवांगे उन्हां तों। पंजाब वास्ते किसी के हाथ भी बनने पै गए हाथ बन लाँगे, पैर फड़ने पे पैर फड़ लाँगे, पर साडा एजेंडा होगा कि पंजाब नू पैरां सिर खड़ा करना है, नंबर वन स्टेट बनाउणा है। पुराने साथी रहे ने धर्मवीर गांधी, उन्होंने अज की स्टेटमेंट आ जी, वो कहते हम मैं इलेक्शन नहीं लड़ांगा पर चंगे बंद समर्थन करांगा, नाल ही कह के आम आदमी पार्टी ने राज्यवाद की बेइज्जती की है, अगला नंबर भगवंत मान का लगन। देखो जी धर्मवीर गांधी जी बहुत रिस्पेक्टर ने, मेरे नाल मेरे कुलीग रहे ने 2014-2019 तक, उन्होंने द्वारा इस तरह बोलना उन्होंने खैर मर्जी है, पर मैं उन्होंने रिस्पैक्ट करदा। कौन की दी बेइज्जती करता है, कौन की दा नंबर लगता है, आम आदमी पार्टी इन गल्लां च नहीं पैंदी। मैं थोड़े नाल रोड मैप साझा करना आया, मैं पॉजिटिव राजनीति करना आया, मैं इत्थे किसी का लांभा किसी की निंदा किसी की चुगली करनी है। नवजोत सिंह सिद्धू होर का जो जो कुछ बोलते हैं कोई ब्याह करांगे या करांगे नाल दी नाल उन्होंने पार्टी चो विरोध हो जाता है कि मैनीफेस्टो तो है नहीं चीज़ा, ये मैनीफेस्टो कमेटी की मीटिंग कदों हुई है, जे मैनीफेस्टो च ना पाई गई चीज़ा तो नवजोत सिद्धू का की रहेगी। ये सिद्धू मॉडल नहीं है, कांग्रेस मॉडल है, ये कांग्रेस मॉडल नहीं है, पंजाब मॉडल है। सो उन्होंने तो यही नहीं समझ आ रहा कि किहड़े बंदे ने मतलब बोलना है, साडा पार्टी का
बनाया होया, बैठ के बनाया होया रोड मैप है, और असी जो कहने वो करांगे। जिन्नियां गरंटियां दित्तियां ने कोई हवा च नहीं सुरलियां छटियां, प्रॉपर हिसाब ला के उहदा बजट कित्थों आऊगा ते वो असी तुहानू दसियां ने ते गरंटियां पूरियां करांगे। देखो किसी लेवल ते भी असी भ्रष्टाचार नू अपना असी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी भावें वह मंत्री है भावें संतरी है, कानून एक होगा ते जो कानून मुताबक होगा वही होगा, पक्के पैरी होगा। ये नहीं है कि कच्चे पैरी एक छोटी जी FIR करती जा बस फड़ ली एक उसका परमिट रद्द करता बाद कोर्ट ने जिहड़ा परमिट बहाल करता, इस तरह नहीं। कानून मुताबक कार्रवाई होगी, कोई पोलिटिकल वेंडेंटा भी नहीं होगा कि असी ये साडा विरोध करता सी इहनू आ कर दिया कदे उस तरह नहीं। मतलब असी सरकार चलानी है कोई बदले बदला कोरी वाली नीति ना नहीं चलानी। पिछले कल तुसी नंबर दित्या सीगा उसका की रिस्पांस है, किन्नी कॉल्स आ रही है? मैनू एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना तुहानू सारा डिटेल देंगे कि मतलब किन्ने लाख फोन आए ने, किन्ने मैसेज आए ने, किन्ने कॉल्स आए ने। तुसी निजी तौर ते मानदे हो कि फ्री बीज देने चाहिए पंजाबी जे लोग टैक्स भरदे ने ते सरकार इमानदारी नाल उन्हां टैक्सां नूं जिहड़ा यूज करती है तां लोकां दा टैक्स दा पैसा किसी ना किसी रूप च लोकां नूं मिलना चाहिए वापस। अमरीका कनेडा च इहनूं सोशल सिक्योरिटी कह दिंदे ने, तुसीं फ्री भी कही जांदे हो। फ्री भी देखो लीडरां नूं किन्नियां चीज़ां फ्री ने, लीडरां नूं हवाई जहाजां दे सफ़र है जी, रेलवे दे सफ़र, उस तों बाद घर दी उहनां दी बिजली, उस तों बाद टैलीफोन का इन्ना, इंटरनेट का इन्ना। जे लीडर फ्री है तो पब्लिक को क्यों नहीं मिलना चाहिए? पब्लिक टैक्स भर रही है, जो असी खजाना भर ही जाने फिर देने च की हर्ज है? मैं दसो जो अभी दिल्ली की उदाहरण दें कि 26,000 करोड़ तो बजट 69,000 करोड़ करता, बिजली 73% बिजली फ्री है दिल्ली, ठीक है जी, तो इलाज फ्री है, सरकारी स्कूल शानदार हो गए, हस्पताल बहुत वधिया बन गए, मोहल्ला क्लीनिक बन गए, तो फिर जे पैसा हैगा सरकार को वापस किसी ना किसी रूप से लोगों को देने सानू कोई हर चीज नजर आ रहा है। 4 बजे उन्होंने प्रेस कर पता की है, एक ना हूँ तुम इतने गिणिया ना करो, वो सारे आपके हल्के च भी ने, ठीक है ना। सो इस तरह की कोई खबर कोई नाराजगी जो होर साढ़े LOP साहब अपने हल्के दिड़बे के पिंडा च भी जा रहे हैं ते 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीएम साहब को एक सीट तो टिकट जड़ी है चोन लड़नी चाहिए, कितने क्योंकि कितने कितने ये खबर आ रही है कि आदमपुर तो भी जड़ी है चोन लड़ सकते हैं, की लगता है कि उन जड़े सिद्धू साहब ने सीएम साहब ने भी डायरेक्शन दी है की करना की नहीं करना, फिर ये टिकटा दे वंडदे वाले भी जड़े के लड़ाई जड़ी है शुरू होगी? देखो जी ये तो मैं पता नहीं, ये तो उन्होंने कांग्रेस की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है कि उन दो तो सीटा लाने एक लड़ाते हैं, पर मैं इन्ना पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और जो ट्वीट ने वो कि ना कि बागी होंगे जा रहे हैं आने वाले 2-4 दिन शायद कुछ ना कुछ नहीं शायद नहीं कुछ ना कुछ तो होगा। देखो असी जे सच पुछो मैं निजी तौर पर महसूस करदा कि जिहड़े जिहड़ी पार्टी के चोन निशान तो जित्ते जो कानून बनिया होया एंटी डिफेक्शन लॉ कि जिहड़ी पार्टी के चोन निशान तो तुसीं जित्ते हो जिन्ना चिर तुसीं 2/3 नहीं होंगे 2/3 नहीं होंगे तो तुसीं दल नहीं बदल सकते, ठीक है। पर उहदे च इक होर कढ रखिआ कि स्पीकर साहब फैसला लैणगे। 2019 दे विच इलैक्शन लड़ी सुखपाल खहरा ने अपनी पार्टी बना के एक होर सिंबल तो, ते मास्टर बलदेव जी ने फरीदकोट तो, जबकि किसी होर सिंबल तो वह MLA से इमीजिएटली कार्रवाई क्यों नहीं होंगी? स्पीकर साहब ने आपके हिसाब न करते जी बुलाने बुलाने
सिर्फ वोटां तो कुछ महीने पहला आके जिहड़े जिहड़े तां आउंदे सी कांग्रेस च, ठीक है ना, वो छड़ते, बाकी बाकी कहिंदे बाकी नूं उह कर दो, सस्पेंड कर दो। सो इस तरह के उह नहीं होने चाहिए। जदों ऑलरेडी एक बंदा इलैक्शन लड़ लिया किसी होर सिंबल तो, ते वो किसी होर सिंबल तो जिहड़ा एम एल ए है जां एम पी है, उहदे कागज़ भरन वेले उहदी वो एम पी शिप ਜਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪੇਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਜਨੂੰਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਮਾਕੜ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸੀ ਐਮ ਫੇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਫੇਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ ਐਮ ਚੁਣ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਰਾਏ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੜੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ।